ओ माय गॉड, पूरा नक्श बिगाड़ दिया। नर्स जरा कॉटन देना। बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से। बुलडोजर से टक्कर हो गई? नहीं डॉक्टर नहीं। तुम लोगों की आपस में लड़ाई हुई? आपस में काहे का, एक कमीना आया और ऐसी हालत बना दी। वो भी गुंडा ही होगा। पुलिस था। मतलब पुलिस से बचकर भाग के आए हो? एक पुलिस वाला आपको यहाँ लाया। कहाँ है वो? उधर को खड़े लाए। तुम्हारा नया सेल्फी मस्त लगा। हेलो, रात भर अपन सो नहीं पाया। सुनिए तो देना। ओए उजड़ी खेती, कौन चुड़ैल चीख रही है? क्या रे नर्स, हो गया तेरा मरम पट्टी? ले जाओ इनको। एक्सक्यूज मी, मैं नर्स नहीं डॉक्टर हूँ। अपन भी उजड़ी खेती नहीं है, कांस्टेबल है। तुमने इन सबको मारा? अपन ने नहीं मारा, अपन के साथ ने मारा। उस सांप को बुलाओ। नरी रुक, अब भी बुलाता है। उनकी मरहम पट्टी हो गई? यस, डॉक्टर आपको बुला रही है। क्यों, उनमें से कोई टपक गया क्या? नो सर। ठीक है, तुम बच्चों के पास जाओ। यस सर। मैंने नहीं बुलाया। पट्टी पकड़ो। हाँ डॉक्टर, मुझे बुलाया। सनग्लासेस हटाओ। तुमने इन सबको मारा? पुलिस हो तो किसी को भी मारोगे? तुम इंसान के खून की वैल्यू जानते हो? सबके ब्लड ग्रुप्स एक नहीं होते, पर सबको इज्जत के साथ जीने का हक है। खैर छोड़ो, कम से कम तुम्हें इंसान की बोन वैल्यू तो पता होगी। बोन फ्रैक्चर हो जाए तो जुड़ने में 4 महीने लग जाते हैं। पता है इन 4 महीनों में कितनी तकलीफ होती है? रूटीन वर्क्स, काम पर जाना, 24 आवर्स एक बच्चे की तरह संभालना होता है। और अगर ये सब बच्चे के साथ हो तो, जिसे कोई संभालने वाला भी ना हो? मैं समझी नहीं। 6 साल की उम्र का मासूम बच्चा, जिसकी टांग तोड़ के उससे भीख मंगवाता है ये हरामखोर। एक 9 साल की प्यारी बच्ची, एक आंख में गरम शीशा डाल के उसे उम्र भर के लिए एक आंख से अंधा कर दिया। हर सिग्नल पर ऐसे 14-15 बच्चे मिल जाएंगे। शहर के सारे सिग्नल्स को मिलाओगी ना तो ये गैंग वाले 700-800 बच्चों को अपाहिज बना के भीख मंगवाते हैं कि तो जाने दे। इसीलिए मारा, कुछ गलत नहीं किया और सॉरी तो बोलूंगा ही नहीं। अरे अरे, दर्द हो रहा है, बर्दाश्त कर। सर, सबको फर्स्ट एड दे दिया। एक काम करो, इन सब बच्चों को। भैया, आपने स्कूल भेजने की बात की थी, हिंदी मीडियम जाओ या इंग्लिश मीडियम? भैया, मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। ऑपरेशन होने पर मेरी ये आँख ठीक हो सकती है, मेरा ऑपरेशन करवा दो प्लीज भैया। राजेंद्र। यस सर। सारे बच्चों को चाइल्ड केयर होम ले जाओ। ओके okay, सर। कल मैं तुम सबसे मिलने आऊंगा। थैंक यू भैया। बहुत धूप है, गॉगल्स पहन लो। गुड। मैरिड हो? नहीं, सिंगल हूँ। तो किसी से चक्कर? कुछ भी नहीं। तब तो सही है। स्मिता, दी बुला रहे। सी यू। अरे मेरी बात तो सुनिए, माइक्रोवेव ऑन तो कर दिया, टाइम भी सेट कर दीजिए। 8 बजे बैकअप होता है, इसके बाद बताऊंगी। आज 8 बजे मेरा फेवरेट नंबर है। तब तो सही है का क्या मतलब है? सही है मतलब सही है। अगर मेरा टाइम वेस्ट करने यहाँ पर बुलाया है ना तो अच्छा नहीं होगा। मैं मामूली आदमी नहीं हूँ, मैं डेप्यूटी कमिश्नर हूँ। 2 असिस्टेंट कमिश्नर्स, 18 इंस्पेक्टर्स, 36 SI, 27 हेड कांस्टेबल्स, 360 Grade 1 कांस्टेबल्स मेरे अंडर काम करते हैं। और देखो, शॉर्ट में तुम्हें समझाता हूँ, मैं इस शहर को क्राइम फ्री रखने की कोशिश करता हूँ, समझी? अच्छा। इतना बिजी होने के बावजूद बिना कुछ सोचे समझे बस में आ गया, तुम्हारा वो सही बात है? कब, मतलब जानने के लिए कब से तड़प रहा हूँ मैं, प्लीज बता दो मुझे। तुम्हारे पीछे बैठ के भी तुम्हारी स्माइल देख सकता हूँ, पर तुम पीछे देख के मेरे माइंड को नहीं पढ़ सकती हो। मेरी
तुम्हारी तिरछी नजर कमजोर है, आगे आ जाओ ना। अरे वो तो कब से आने के लिए बेकरार हूँ, अभी आ गया। मेरा नाम स्मिता है, मेडिकल स्टूडेंट, अभी इंटर्नशिप कर रही हूँ। मेरे डेफिनेशन के हिसाब से द हार्ट इज अ होलो मस्कुलर ऑर्गन दैट पंप्स ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। इन वर्टिब्रेट्स देयर आर अबाउट 4 चैम्बर्स व्हिच। ज्यादा अंग्रेजी आ रही है तो जाके स्कूल खोल ले। पर आज मैंने जाना है कि दिल आंखों की भी जुबान पढ़ लेता है और हमेशा सिर्फ एक खास इंसान के लिए ही धड़कता है। वाह, शायरी करने वाली डॉक्टर। शायद तुम सोच रहे हो कि मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। आपको पहली बार देखकर मुझे जो एहसास हुआ वो 100 साल बाद भी रहेगा। मेरे दिल ने जो कहा वो मैंने कह दिया। सॉरी, मैं बस अपने दिल की बात कर रही हूँ। मेरे दिल गुर्दे जिगर की सबकी स्टोरी बहुत ही सैड है। बचपन से लेके एमबीए तक बॉयज हॉस्टल में रहा हूँ। जब कोई लड़की हंस के देखती तो ऐसा लगता था कि ये पट जाएगी, पर वो भी घास नहीं डालती थी। फिर सोचा कि कॉफी के लिए ले जाऊं, पर इतने पैसे नहीं होते थे तो सस्ते में आई लव यू बोल देता था। आई लव यू भी बोला। वैसे मुझे मारा मारी पसंद नहीं है, पर प्रपोज मार दिया करता था। ये कुछ ज्यादा हो गया। एक बार एक लड़की अकेली सड़क पर जा रही थी और कुछ गुंडे उसे छेड़ रहे थे। फिर पता चला वो गुंडे नहीं, वेटर थे जो उससे होटल का बिल मांग रहे थे। वो बिल मैंने भर दिया। आप तो पहुंची हुई चीज निकले। अपना दिल ही कुछ ऐसा है बॉस। कहाँ जाना है मैडम? जहाँ तक ये जाएंगे। जाने का इरादा तो बड़ा दूर तक का है, पर उसके लिए कंडक्टर ने पंडित की जरूरत पड़ेगी और एक मंगलसूत्र की।